हार्दिक स्वागत और अभिवादन। यह YouTube का लर्निंग लोकस चैनल है। इस चैनल के माध्यम से बिहार दुर्गा परीक्षा के लिए समान ज्ञान का संग्रह प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत होगा भाग 19। इस भाग में कुल 51 प्रश्न और उनके उत्तर होंगे। साथ में ही कुछ प्रश्नों से संबंधित बातें बताई जाएंगी जो एग्जाम्स में आते हैं या आने की संभावना है। तो शुरू करते हैं आज भाग 19 प्रश्न 1। बिहार की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? इसका उत्तर है 10.41 करोड़। यह 2011 के अनुसार है। वर्तमान जनसंख्या 10.41 करोड़ है। अगर कुछ और भी फैक्ट्स पे बात कर लें तो जो वृद्धि हुई 2001 के, आप जानते हैं जनसंख्या हर 10वें साल में जनसंख्या अर्थात सेंसस होती है, तो 2001 की अपेक्षा वृद्धि हुई थी 25.41%। तो प्रश्न यह भी बनेगा कितनी परसेंट वृद्धि हुई थी पिछले दशक के अपेक्षा। साथ में ही अगर देश के आधार पर बात करें तो देश की जनसंख्या का 8.60% जनसंख्या है बिहार की जनसंख्या। और ऐसे ही बढ़ते हुए जाएँ तो देश में सबसे अधिक जनघनत्व है बिहार का, जो है 1106, और थोड़ा और साक्षरता है 61.80%। इसमें मेल साक्षरता है 71.20% और फीमेल की साक्षरता है 51.50%। तो इस तरह से बिहार की वर्तमान जनसंख्या 10.41 करोड़ है। अगर सेक्स रेशियो की बात कर लें तो लिंगानुपात है, वर्तमान लिंगानुपात है 935, अर्थात 935 पुरुषों में पर 1000 पुरुषों पर 935 महिलाएं हैं। यह है सेक्स रेशियो बिहार का। आगे बढ़ते हुए कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में कबीर का जन्म हुआ था। इनके जन्म की साल 1440 बताई जाती है, लेकिन यह विवादास्पद है। अगर ऑप्शन में 1440 रहेगा तो आप आंसर करेंगे। कबीर का एक उनके वाणी का एक संग्रह है जिसका नाम है बीजक। बीजक की रचना किसने की, अगर प्रश्न होता है तो आप शायद इसका उत्तर कबीर करेंगे, लेकिन इसका उत्तर होगा धर्मदास ने। धर्मदास ने बीजक की रचना की जो कबीर की वाणी का संग्रह है। आगे बढ़ते हुए 3 नंबर प्रश्न है, नूर सिपहर की रचना किसने की? यह किताब का नाम है नूह, गलत बोल दिया था मैंने, नूह सिपहर। इसकी रचना की अमीर खुसरो ने। अगर अमीर खुसरो को बात करें तो मुगल सल्तनत में थे बलबन के समय से लेकर मोहम्मद तुगलक के समय तक उनके साम्राज्य में, उनके सल्तनत में थे अमीर खुसरो। रचना की नूह सिपहर की। आगे बढ़ते हुए 4th पे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ड पर हमला कहाँ किया? उत्तर है मुजफ्फरपुर में। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड पर हमला किया था, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? उत्तर है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी 1892 से लेकर 1895 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी थे, सांसद थे, और ये लिबरल पार्टी की तरफ से थे। आपको जानना चाहिए कि ब्रिटेन में दो पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव और लिबरल, तो लिबरल पार्टी की तरफ से एमपी थे 1892 से लेकर 1895 तक। दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये आप जानते हैं। साथ में ही हमने देखा है इनके एक बुक का नाम जो बार बार एग्जाम से पूछा जाता है, वो नाम है अन ब्रिटिश रूल ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। बुक का नाम है पॉवर्टी, हिंदी में लिखा रहेगा, एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह बुक का नाम है जिसे लिखा है दादाभाई नौरोजी ने। इन्होंने वेल्थ देन की थ्योरी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि किस तरह से अंग्रेज हमारे देश से पैसा लेकर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज एक पुस्तक का नाम है। इसके लेखक हैं एम के गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी।
कमिंग टू सेवेंथ, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, मोपला आंदोलन हुआ था मालाबार में, मालाबार में हुआ था मोपला आंदोलन। यह आंदोलन, मोपला आंदोलन हुआ था 1921 में, तिथि भी याद रखेंगे और इसके लीडर का नाम याद रखेंगे, लीडर का नाम है मुसलियार, मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था मोपला विद्रोह मालाबार में 1921 में। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? नाम है पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय झंडा जो हमारा तिरंगा है इसका डिजाइन तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। अगर राष्ट्रीय झंडा की बात करते हैं तो एक प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को हमने झंडा को अपनाया, तिरंगा को हमने अपनाया, तिथि है इसकी 22 जुलाई 1947। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? लखनऊ समझौता में आप जानते हैं दो बातें हुई थी, एक कांग्रेस का नरम दल और गरम दल समझौता किया था, दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समझौता किया था। तो अभी हम बात करें खाली मुस्लिम लीग की, तो लखनऊ समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुई थी और उस समझौता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था बाल गंगाधर तिलक ने, समझ गए हैं? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में, 16। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी कालपी की लड़ाई में, जब ये लड़ाई लड़ रही थी अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई, तो कालपी जो कि उत्तर प्रदेश में है वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी 18 जून 1958 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप याद रखेंगे, अगर ऑप्शन ग्वालियर रहेगा, झांसी रहेगा, कालपी रहेगा, उस वक्त तक कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो बेटर है याद रखें रानी लक्ष्मी की मृत्यु हुई थी कालपी की लड़ाई में। प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा था? कलकत्ता विश्वविद्यालय था प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, और इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया था, विजयनगर नगर साम्राज्य नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था। 13th पे गांधी जी ने सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया, सर्वप्रथम कहाँ किया? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में। अगर भारत की बात होगी तो भारत में तो यह इन्होंने चंपारण में किया था, लेकिन कहा गया है सर्वप्रथम कहाँ किया, तो इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। भारत में स्वराज आंदोलन किसने शुरू किया? स्वराज आंदोलन का अंग्रेजी में बोल सकते हैं होम रूल आंदोलन, राइट? तो किसने शुरू किया? आंसर है एनी बेसेंट तथा तिलक ने, इन दोनों ने शुरू किया भारत में स्वराज आंदोलन या होम रूल आंदोलन का। जालियांवाला बाग हत्याकांड का उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो उत्तरदायी था, जिन्होंने मारा था, मरवाया था, नाम था जनरल डायर, को ऊधम सिंह ने मारा, उत्तर है ऊधम सिंह ने मारा। ऊधम सिंह ने लंदन में मारा जनरल डायर को, लंदन में मारा। और आप जान लीजिए 13 अप्रैल, याद रखेंगे अच्छा से, 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग, इस साल 1919 को हुआ था और इस साल 2019 है, इस साल हम उसका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और याद रखेंगे, इसलिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होगा। इसमें ऐसा बताया जाता है कि 376 से लेकर 1600 तक लोग मारे गए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, कराया था जनरल डायर ने, जिसको मारा बाद में ऊधम सिंह ने, ऊधम सिंह ने 1940 के वक्त में मारा है। भारत में सिविल सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, याद रखेंगे, सिविल सेवाओं के लिए नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। भारत के कौन एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे? इसका उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है निर्विरोध नहीं हुआ है, केवल एक को छोड़कर, जिनका आंसर आपके सामने है नीलम संजीव रेड्डी। ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव निर्विरोध हुआ और ये सबसे यंग, कम एज के राष्ट्रपति भी हैं। यह हमारे देश के छठे राष्ट्रपति हैं।
नीलम संजीव रेड्डी की बात कर रहे हैं। ये 1977 से लेकर 1982 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। इतनी बात बता दी आपको। एक तो निर्विरोध चुनाव हुआ, सबसे यंग थे, छठे राष्ट्रपति थे, और 1977 से लेकर 1982 तक ये राष्ट्रपति बने रहे हमारे देश का। किस संविधान संशोधन, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में एक और है, यह लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। 18th पे आते हैं फिर से। किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को निषिद्ध कर दिया गया? उत्तर है 52वां, 52nd संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में। साथ में ही इस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं शिड्यूल्स अनुसूची जोड़ दी गई थी संविधान में। यह हुआ था 52वां, 1985 में, और यह दल बदल को रोकने के लिए था। दमन और दीव को कौन अलग करता है? खंभात की खाड़ी। देखिए चित्र में देखिए, बीच में खंभात की खाड़ी है और एक तरफ दीव है और दूसरी तरफ दमन है। तो दोनों को अलग करने वाली खाड़ी है खंभात की खाड़ी। याद रखेंगे, ऑप्शन रहेगा तो कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। चित्र भी डाला इसी कारण से, खंभात की खाड़ी दोनों को अलग करती है। भारत की जलवायु कैसी है? देखिए, हम जलवायु की बात करें भारत की, न बिहार की, न किसी पार्टिकुलर स्थान की। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। पालघाट किन दो राज्यों को जोड़ता है? इसका उत्तर है केरल और तमिलनाडु को। देखिए, वेस्टर्न घाट्स जिसे बोलते हैं सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत में बहुत से घाट्स हैं। घाट्स कहें, दर्रा कहते हैं, दर्रा है अंग्रेजी में, उसके पास बोलते हैं, बहुत से पास हैं, लेकिन मुख्य पास तीन है जो चित्र में यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा होगा। तीन है जो मुख्य पास हैं, और एक है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट, और तीसरा है पाल घाट, जो हमारा प्रश्न है। तो पाल घाट जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। पहला की बात करें थाल घाट, थाल घाट जोड़ता है नासिक को, नासिक और मुंबई को। दूसरा है भोर घाट जोड़ता है पुणे को और मुंबई को, या मुंबई पुणे को। और आपने देखिए पाल घाट जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। तो इस तरह से मुख्य यह पास है वेस्टर्न घाट्स के। आगे, उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल का की अति प्रचुरता होने का कारण क्या है? तराई क्षेत्रों में सतही जल बहुत अधिक है। कारण है कि वहां पे नदियों का जाल है जिनकी घाटियां भी चौड़ी चौड़ी है। 23rd पे हाजीपुर किस नदी के किनारे बसा है? गंडक के किनारे बसा है हाजीपुर। अगर बिहार के छपरा की बात करें तो छपरा घाघरा के किनारे बसा हुआ है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा, नेफा यहां लिख रहा हूं, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा पुराना नाम है अरुणाचल प्रदेश का। नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। 20 जनवरी 1972 को यह नेफा से बन गया अरुणाचल प्रदेश, और हमारे देश का हो गया एक केंद्र शासित प्रदेश 20 जनवरी 1972 को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद क्या नया नाम दिया गया? उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। दूसरे शब्द में प्रश्न हो सकता है, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। IDBI कब स्थापित हुआ? IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का शॉर्ट नेम है IDBI। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ? 1964 में स्थापित हुआ। बिहार के राज्यपाल कौन है? उत्तर है फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये सब प्रश्न का के उत्तर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कुछ कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिहार के पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम आप जानते होंगे, संजय, बताया है पहले भी इसलिए बता रहा हूँ, संजय करोल है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। अभी बदले हैं नवंबर में, तो प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है। आगे,
अत्यधिक चावल उत्पादन करने वाले चार मुख्य राज्य हैं सीक्वेंस में। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश का, तीसरा है पंजाब का, चौथा है आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु पांचवें स्थान पे है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो खोज 1922 में की गई। खोज किया रखालदास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हुए, यह सिंधु नदी के किनारे है और आप जानते हैं यह पाकिस्तान में है। ऐसे ही हड़प्पा की खोज 1921 में की दयाराम साहनी ने, और हड़प्पा रावी के किनारे है। महान भारतीय दार्शनिक शंकर ने प्रचार किया था, क्या प्रचार किया था? अद्वैतवाद का प्रचार किया था। 31st पे आते हैं, इलाहाबाद स्थित शिलालेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। किसकी प्रशंसा की थी? तो समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद स्थित एक शिलालेख है जिसमें जिसे हरिसेन ने लिखा हुआ है, उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशंसा करी है। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर पुराना नाम है पेशावर का, जो कि पाकिस्तान का एक शहर है अभी पेशावर। और कनिष्क की दूसरी राजधानी भी थी, दूसरी राजधानी थी मथुरा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे परास्त किया था? नर्मदा नदी किनारे परास्त किया था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक थे, इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी किनारे परास्त किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे पहुंचते हुए 34th पे, वातापी किनकी राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी जगह का नाम है, राजधानी थी चालुक्यों की। किसका कथन है? हम लोगों ने भाग से मिलन स्थान बना लिया है। उत्तर है जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनकी कथन को याद रखना पड़ेगा। संस्कृति के चार अध्याय या पुस्तक का नाम है, पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। पुस्तक का नाम है संस्कृति के चार अध्याय। 37th पे पहुंचते हुए, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। केरल में मनाया जाता है ओणम त्योहार। 38th, जल में घुलते समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या उत्पन्न करती है? दुर्बल अम्ल उत्पन्न करती है। जो भी पदार्थ बनाती है दुर्बल अम्ल की तरह का होता है, तो दुर्बल अम्ल भी हो सकता है और कार्बनिक ऑक्साइड भी बनाती है, तो वह भी कह सकते हैं हम। तो एक तरह से उत्तर हुआ दुर्बल अम्ल बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में घुलती है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक है, पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने। हमने इसको पहले देखा हुआ है जब चार्ल्स डार्विन का नाम आया था तब, कि इनका एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है। इसको एक प्रश्न ही डाल दिया आज, चार्ल्स डार्विन लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभावों की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। याद रखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फिर देख लेते हैं, न्यूटन ने भी कुछ प्रतिपादन किया है, यह है कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है न्यूटन ने। प्रकाश की न्यूनतम गति कब होती है? कांच से गुजरता है तब। जिस वस्तु का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उस वस्तु में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। प्रकाश का अपवर्तनांक कांच में सबसे अधिक होता है, इसलिए कांच में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। इसमें शायद सही बोला है मैंने, प्रकाश का अपवर्तनांक कांच में सबसे अधिक होता है, इस कारण से कांच में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। 43rd, जब पानी को 0 डिग्री से 6 डिग्री तक गर्म करते हैं तो क्या होता है? 0 से 4, 6, तो पहले कमता है फिर बढ़ता है। 0 से 4 तक तो कम हो जाएगा, और फिर जैसे 5 आएगा, 5 से बढ़ना शुरू होगा, या 6 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है, प्रश्न कुछ भी होगा। 0 से 4 से अधिक डिग्री होना चाहिए। 0 से 4 है तो घटता है, और 4 से अधिक होते ही बढ़ता है, तो इसलिए बोलेंगे पहले कमता है क्योंकि 6 डिग्री तक का है, और बाद में बढ़ता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन बी कमी से होता है। बेरी बेरी बी है यहाँ पर, और यहाँ पर बेरी बेरी है, याद रख सकते हैं आप। और शायद ये विटामिन B2 है, B2 कमी से होता है, तो यहाँ पे D 2 बार है, और इसलिए बेरी बेरी भी 2 बार आ गया। इस EEG का प्रयोग किसके व्याधि के लिए होता है? आप जानते हैं ECG, EC होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम,
यह हृदय के लिए होता है, ऐसे ही होता है ईईजी यह होता है मस्तिष्क के लिए। कमिंग टू 46, फैराडे का नियम क्या बताता है? फैराडे का नियम याद देख लीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा और परिणाम दोनों बताता है। किसके? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा और परिणाम दोनों बताता है फैराडे का नियम। आते हैं 47 पे, किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए थे? वर्साय की संधि में। वर्सलिस बोलते हैं इंग्लिश में, तो कुछ भी हो सकता है, वर्साय की संधि, वर्साय बोलते हैं हिंदी में। ई जी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर 49, हिमालय की तराई में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार। हिमालय की तराई में सदाबहार वन पाए जाते हैं। 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व का पुनरुत्थान किसने किया? कब? 19वीं शताब्दी में। उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी क्यों आया? क्योंकि 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, और भी कुछ संस्थाओं का स्थापना की थी इन्होंने, और इनके योगदान से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। तो इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व का पुनरुत्थान किसने किया था? उत्तर दयानंद सरस्वती ने। और ये आर्य समाज की स्थापना 1875 में की, इन्होंने बम्बई में किया था। लास्ट प्रश्न, नाजीवाद का संस्थापक कौन था? एडोल्फ हिटलर। नाजीवाद आया है, आप जानते हैं हिटलर कहाँ का शासक था? जर्मनी का। और ऐसे ही एक था मुसोलिनी, मुसोलिनी, मुसोलिनी था इटली का, ये भी तानाशाह था, इसने फासिज्म की स्थापना करी थी, फासिज्म की, फासिज्म की, राइट। तो यह 51st प्रश्न था, नाजीवाद का संस्थापक था एडोल्फ हिटलर। दोस्तों यह सामान्य ज्ञान का 19वां नंबर पार्ट था, जो सेकेंड लास्ट था। फिर हम डिशन और पास्ट करेंगे, जो कि लास्ट होगा प्रीलिम्स एग्जाम तक के लिए। तो बस इतना ही, वंदे मातरम, धन्यवाद।